पहले हम बात करेंगे विशाल कुमार गौरव जी से। 2020 बैच में उनकी रैंक जो है वो 5 आई थी, यानी ऑल इंडिया रैंक उनकी 5 आई थी। तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी और वो आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो विशाल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और किस प्रकार से आपकी जर्नी रही और आपके यहाँ तक पहुँचने में किन किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और CVT इस बार का, इसके लिए आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग CVT परिवार के बहुत ही अच्छे सदस्य हैं और CVT की तैयारी के लिए CVT कॉन्सेप्ट जो है कि बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है और आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपके एक मेंटर जो शुभम जी के रूप में हमारे साथ हैं, शुभम जी हम ही लोग के बैच के स्टूडेंट हैं और आज होली के अवसर पर हम लोग ने सर से एक सरप्राइज मुलाकात के रूप में हम लोगों ने इसको प्लान किया था और सरप्राइज मुलाकात के क्रम में हम लोगों ने आज सर के साथ होली भी खेली और इसी क्रम में आज आपके सामने हमें लाइव होने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप विशाल जी, आप इन स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इनकी भी एक सपना होगा, इनकी ड्रीम होगी कि हम भी आए रजनीश सर के साथ या फिर BHU में आकर हम रंगोत्सव का त्यौहार मनाएं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। होली के अवसर पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले होली को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और CVT की तैयारी के लिए कि CVT के पहले सिलेबस को समझें और सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को बहुत ही प्रागढ़ तरीके से करें और CVT के जो भी, जैसे मान लीजिए जो भी कंपोनेंट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जो भी सब्जेक्ट है, मैथ्स, उस सबको अच्छे तरीके से पढ़ें और आपके जो कोर्सेज, जैसे CVT के कॉन्सेप्ट के जो कोर्सेज है उसमें अगर आपने इनरोल करा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करें ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत मजबूत हो और आप अपने रैंक को मतलब कि टॉप 100 के अंदर रखें, जिससे आपको जो भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर की जो सारी फैसिलिटी है वो आपको आसानी से मिल सके, जैसे हॉस्टल है या बहुत सारी, जैसे आप अगर अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं तो आपको जब आप अपने मित्रों से मिलते हैं तो आपको सम्मान भी मिलता है, जैसे मुझे अभी भी मित्रों से सम्मान मिलता है, तो यही मैं कहना चाहूँगा। और 2020 बैच में इनकी रैंक 27 थी। कृपा शंकर जो गोस्वामी तुलसीदास लोक मंगल के साधना कवि, आप लोगों ने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा तुलसीदास जी के बारे में। तो लोक मंगल के साधना कवि तुलसीदास जी के पावन धारा बांदा उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर जो लोग CUT की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से डेडिकेटेड होकर अपनी तैयारी करें, क्योंकि जब हमें याद है 2020 में ये होली का ही टाइम था और मैक्सिमम लोग यहाँ पे मेरे साथ रंजन जी हैं और विशाल जी हैं, शुभम जी हैं, हम लोग सब लाइव थे उस टाइम, मतलब कि होली खेलने के बाद, उसके बाद हम लोग मतलब होली खेले थोड़ी देर, उसके बाद से हम लोग लाइव आए थे, क्लास कर रहे थे सर के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 बैच में सर के द्वारा पहली बार होली के अवसर पर हल्ला बोल लाइव सेशन लाया गया था और हम में से जितने लोग हैं सभी लोग उस लाइव सेशन से जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने वो समर्पण, त्याग, समर्पण दिखाया और इतनी मेहनत करी कि आज हम लोग सर के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले वर्ष हम लोग लाइव सेशन सर के साथ जुड़े हुए थे होली के अवसर पर। एक हमारा भी सपना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाएं और रंगोत्सव के अवसर पर हम सर के साथ या फिर अपने मित्रों के साथ होली मनाएं और आज हमारा ये सपना पूरा हो गया है। और यहां देखे होंगे जो 21-22 में CUT क्रैक किए वो आए थे, आज 2020 बैच वाले आ रहे हैं, कल आप आएंगे अगली कड़ी में, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगली बार होली हम लोग सब मिलकर मनाएंगे। तो आप मिलेंगे हरिनाम जी से। हरिनाम जी बताइए कि आपके, आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए और अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है मैं आपके सूरज सर जो रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाते हैं उनका रूममेट हूँ और हम दोनों का ऑनर्स ज्योग्राफी है और हम दोनों का रैंक भी सेम ही था, तो दो बहुत बड़ी बात कोइंसिडेंस थी ये। वैसे हमारी पहली मुलाकात काउंसलिंग में हुई थी और 2020 में हम लोगों ने BHU एंट्रेंस क्लियर किया था और BHU कॉन्सेप्ट उस टाइम, जो अभी आपका यहाँ चैनल का नाम CUT कॉन्सेप्ट हो गया उस टाइम BHU कॉन्सेप्ट करके था और हमने वहाँ, हम वहाँ जुड़े उस टाइम तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी जैसे आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड वगैरह वगैरह, फैकल्टी बहुत अच्छे हैं आपके, शुभम सर अभी पढ़ाते हैं, पर उस टाइम भी जैसी भी थी बहुत अच्छी थी और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। करना तो आपको ही है, आपको एक सटीक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो आपको CUT कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा देगी, पर करना आपको खुद ही है। मैथ रीजनिंग के लिए विशेषकर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इस सब की आप जैसे फैकल्टी आप लोगों को शुभम सर पढ़ा रहे हैं, वीडियो को रिवाइज एक बार कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले और क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके MCQ सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्योंकि सीयूटी तो पिछले बस एक वर्ष से हो रही है, पर क्या कहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप प्रिंट आउट करा के वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं और जम के तैयारी कीजिए। और सीयूटी परिवार, सीयूटी कॉन्सेप्ट का परिवार आप लोग है ही, आइए हम लोग के साथ यहाँ होली खेलने का, जो सीयूटी कॉन्सेप्ट परिवार के साथ आप भी होली खेल सकते हैं जैसा हम लोग अभी मित्र के साथ अपने खेल रहे हैं, तो यही कहना चाहिए। रंजन जी से ठीक है, तो रंजन जी की रैंक जो है जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 31 इनकी रैंक थी, 31 रैंक थी और ये टॉपर रहे हैं और इसी के बदौलत ये आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास में रह रहे हैं। आप जब BHU आएंगे तो आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के तहत दो छात्रावास मिलेगा, एक श्रीमती मूना देवी छात्रावास SMD हॉस्टल और दूसरा आपको AND हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, तो वो AND हॉस्टल के अंतर्वासी हैं और तो इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आप पहले अपना परिचय बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और फिर आप बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, किस स्ट्रेटजी के तहत आपने ऑल इंडिया रैंक 31 प्राप्त किया था। तो पहले मेरा नाम रंजन राज है, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ और मेरा स्टडी मिथिला से आते हैं। वही है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, मेहनत कीजिए तो रिजल्ट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है, तैयारी कीजिएगा अच्छे से पढ़िएगा। तो इन लोगों की लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज का सब कुछ सेम ही है, लैंग्वेज में कुछ बदला नहीं है, बस पैसेज आ गया है। हाँ वो हो जाएगा, तैयारी कीजिएगा तो हो जाएगा। निश्चिंत रहिए आप लोग, हिंदी, तो इस वजह से हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, जिसको भी मतलब हॉस्टल्स वगैरह लेना है उसके लिए यहाँ BHU में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है जनरल टेस्ट और आपका हिंदी डोमेन पेपर को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो आप सबसे ज़्यादा पहली बात तो अगर जिनका जो भी लैंग्वेज है उस पर बहुत अच्छी कमांड रखिए कि अगर 40 क्वेश्चन आते हैं ना सर, अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में से आपके 40 आउट ऑफ 40 सही होने चाहिए। हमारे मित्र जो हॉस्टल में ही रहते हैं अंतर्वासी हैं, क्योंकि सब लोग टॉपर हैं तो स्वाभाविक सी बात है हॉस्टल में ही रहेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सीयूटी कॉन्सेप्ट परिवार में 2020 बैच जो पहला बैच था कितना धमाल किया था। ठीक है, और उसी के बदौलत जो है कह सकते हैं हम लोग आज देख सकते हैं सीयूटी परिवार का एक खास बोलबाला भी है, आज रजनीश सर की पहचान भी है कैंपस में। ठीक है, तो हम आगे की कड़ी में बात करेंगे अपने मित्र सम्यक जी से। सम्यक जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं ये बताइए अपने स्टूडेंट। नमस्कार, मेरा नाम सम्यक सर है और मैं बुद्ध की धरती नालंदा से हूँ। बुद्ध की धरती, आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना होता है महात्मा बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनका जन्म लुम्बनी में हुआ था, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, तो बोध गया से, तो वहीं से आते हैं। ठीक है, गया क्षेत्र से ही आते हैं। तो सलाह यही रहेगी कि सर के निर्देशन में आप लोग कड़ी मेहनत करें, बेशक निरंतर मेहनत करने से सफलता तो आपके कदम चूमेगी, यही सलाह। इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है, यानी कि आप लोग हिंदी साहित्य में कभी बिहारी के बारे में पढ़ते होंगे, बिहारी सत्सई, जिन्होंने 719 रचनाएं, 719 दोहे उनके यहाँ, एक ही रचना है लेकिन वो एक ही रचना से अमर हो गए, उन्हें गागर में सागर कभी भी कहा जाता है और ये बहुत कम बातें बोले हैं लेकिन गागर उससे सागर भरने का काम किए हैं। तो आप इनकी पॉइंट को समझ सकते हैं कि आपको जो है पूरी लगन, पूरी कर्तव्य प्रायणता के साथ, लगन के साथ जो है आत्मविश्वास को बनाए रखने के साथ जो है आपको मेहनत करनी है और इसी के साथ जो है आप अपनी सफलता का झंडा जो है वो बुलंद कर सकते हैं। ठीक है, तो सम्यक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की कड़ी में हम बात करेंगे हमारे मित्र धीरज जी से। धीरज जी भी 2020 बैच के ही हैं और हमारे मित्र हैं और ये बताएंगे कि ये इन्होंने एक सफलता किस प्रकार से प्राप्त की और इनकी सफलता में सीयूटी कॉन्सेप्ट का क्या रोल रहा था। ठीक है, तो धीरज जी आप बताइए। धन्यवाद, सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं मोतिहारी से हूँ, पूर्वी चंपारण जिले से। तो मोतिहारी वो ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यानी गांधी जी जब भारत की धरती पर स्वदेश लौटे थे 1915 में, तो उन्होंने भारत आने के पश्चात जो है वो भारत का भ्रमण किया, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है बिगुल फूंकना प्रारंभ कर दिया। तो इसी कड़ी में उन्होंने जो प्रथम सत्याग्रह चलाया वो चंपारण सत्याग्रह था और वहीं से ये आते हैं, तो ये पावन धरती से आते हैं, तो इनकी धरती को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। आप अपना वक्तव्य रखें। सबसे पहले तो सीयूटी क्रैक करने के लिए आपको जरूरत है प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंसी के साथ करने की, और साथ में सर का कंटेंट तो इतना बढ़िया है कि मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अलग से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, साथ में सर का जो भी कंटेंट है उसको देखते रहिए, बस इतना काफ़ी है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से कर सकते हैं आप, बिल्कुल भरोसा रखें खुद पे और सर पे। जी धन्यवाद। तो ये हमारे सारे मित्रों का परिचय और उनकी क्या स्टडी रही थी ये आपको पता चल गया होगा।
और लास्ट में मैं अपना भी परिचय दे ही देता हूँ, क्योंकि कई लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे। अगर ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि चर्चित व्यक्ति हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, चाहे हमें जो भी प्राप्त हुआ है, चाहे हमारी कोई भी अचीवमेंट्स हो, लेकिन हमारी अपेक्षाएँ नहीं हटनी चाहिए। अपेक्षाएँ जिस दिन कम हो जाएगी, इसका मतलब है हम जहाँ हैं वो वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं सुरम्य वनों से आच्छादित झारखंड राज्य का रहने वाला हूँ। झारखंड राज्य के राजमहल की पहाड़ी के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो राजमहल की पहाड़ी को आप याद करते हैं 1855 ईस्वी के संथाल रिवोल्ट से सिद्धू कानू के नेतृत्व में। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप राजमहल की पहाड़ी राजमहल हिल्स के नाम से आप जानते हैं। और अगर आप संस्कृति धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो आपको देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बारे में, बाबा बैजनाथ मंदिर के बारे में पता होगा। तो मैं वहीं से आता हूँ। ठीक है, और 2020 बैच का मैं भी रहा हूँ और मेरी रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक इन लोगों से कम ही रही थी, 81 रही थी। और मैं यहाँ आने के बाद जो है सर का निर्देशन तो पहले से था और फिर सर के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर सीयूटी कॉन्सेप्ट में एज ए मेंटर जो है अपनी सेवा देना प्रारंभ किया। और मैं विगत दो मतलब एक पिछले वर्ष में मैंने कॉन्सेप्ट में एज ए मेंटर काम किया, तो इस वर्ष में आपके बीच मैं सेवा देता हुआ नज़र आ रहा हूँ।